नमस्कार, मला आपल्याशी थोडीशी ओळख करून घ्यायची आहे आणि नाडी ग्रंथाबद्दल आपला काय अनुभव आहे याची जरा मला समजून घ्यायची आहे. आपण मला सांगा का आपला अनुभव. हो, मी रसिका मंजारी, MBA स्टुडंट आहे आणि मी 2009 मध्ये नाडी परीक्षा करायला आलेली होते. मी बेसिकली विदर्भातले पण इथे शिकायला होते. बरेच प्रॉब्लेम्स होते लाईफ मध्ये की आणि बऱ्याच गोष्टींची आन्सर्स मिळायची नाही. पहिले तर कधी विश्वास नव्हता ज्योतिषशास्त्रावर, पण नंतर जेव्हा कुठल्या गोष्टींनी आन्सर मिळत नव्हते तेव्हा फायनली आर्ट ऑफ लिव्हिंग मधून असं कोणातरी थ्रू मला कळलं की नाडी परीक्षेतून मला ऍटलीस्ट डिरेक्शन मिळेल. आणि जेव्हा मग नाडी परीक्षा गेली त्याच्यानंतर बरोबर काय करायचं पुढे दिशा अशी क्लिअर होत गेली आणि पास्ट जसा होता तसा बऱ्यापैकी तसाच त्यांनी सांगितला होता. त्यामुळे मला विश्वास बसला की हा फ्युचर मध्ये जी मिळालेली डिरेक्शन आणि माझं इंटेन्शन दोघांचं मिक्स चांगलं झालं. तो तुझ्या मैत्रिणीने काय संदेश देशील अशा वेळेला. मी जेव्हा कोणी माझ्याकडे असे प्रॉब्लेम्स घेऊन येतात तेव्हा मी त्यांना हेच सांगते की कन्फ्युज होण्यापेक्षा एकदा ट्राय करायचा आणि ऍटलीस्ट कळेल तुम्हाला काय करायचं. माझं असं तुला विचारणं आहे की हे सगळं जे सांगितलं जात आहे हे महर्षींनी लिहिलेलं ह्या मुथुस्वामी किंवा यांच्या सेंटर मधून सांगितलं जात आहे. त्यामुळे मुथुस्वामी हे ह्या सगळ्या पट्ट्यांचे लेखक नाहीत. आहेत ते सगळे नाडी ग्रंथ महर्षी जे आदस्य किंवा जे आहेत ते. असं तू मित्र मैत्रिणींना किंवा कोणाला भेट सांगतेस का. हो, पहिल्यांदा जेव्हा ओळख करून सांगते त्यांना असं सांगते की तीन नाड्या असतात त्यापैकी शिवनाडी जे केंद्र आहे ते मला माहिती आहे आणि तिथे ज्या पट्ट्या वाचल्या जातात त्या ऍक्च्युली तामिळनाडूमध्ये आहेत आणि त्या दुसऱ्या ऋषींनी लिहून ठेवलेल्या आहेत. ओके, हे फक्त रीड करतात पण जे काही सांगतात ते व्यवस्थित सांगतात. ओके, यू आर काय तुझी अगदी काय खात्री आहे म्हणा की तू आर यू सॅटिस्फाईड विथ ऑल दॅट. या, मी खूप जास्त सॅटिस्फाईड आहे. मला कळलंय की काय करायचं काय नाही आणि पुढे कुठलाही भविष्यात प्रॉब्लेम येणार असेल तर त्याच्या आधीच मला जरा हे होतं की इंटेन्शन मिळतं की हा आता असं करायला पाहिजे. मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप दोनों में से कोई नाडी भविष्य पहले देख के आए हैं. मैं देख के आई. अच्छा, पहली बार आई. हाँ, पहली बार आई. पहले आए हैं. आपको कैसा लगा कि जो आप पहली बार आपने जब किया था नाडी लीफ निकाला था उससे आपको क्या अपने अंदर चेंजेस आपको नजर आई. एक्चुअली में बहुत सारे चेंजेस नजर आए हैं कि एक डायरेक्शन मिल जाता है जिंदगी में कि क्या होने वाला है, इससे ज्यादा हम उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं. शायद ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इससे लीफ रीडिंग से जो मिलता है वो आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि यू कैन डिसाइड कि ओके, जैसे मेरा इन्होंने बताया था कि 2012 में आई एम गोइंग टू गो अब्रॉड, तो वो वैसे ही हो रहा है. इन जनवरी आई एम गोइंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज, सो आई एम वेरी होपफुल फॉर इट. तो आपका पट्टी मिल गया है क्या. हाँ, अभी मिल गया है. तो आप किस भावना से आई हैं, क्या मतलब आपके अंदर क्या जिज्ञासा है. मैं CA कर रही हूँ एंड वो थोड़ा स्टक हो गया है. I just want to know that and regarding my work. इस पट्टी के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे. जरूर. कम से कम 1000 साल के पहले अगस्त्य महर्षि उनका शिष्य लोग नोट करके रखा. ये पट्टी वाला ताल पत्र ये ऊपर रहता है, ये लकड़ी है, ये अभी क्या है, अंदर रहने वाला लीफ रहते बहुत पुराना काल का है. इसमें मतलब पुराना काला तमिल रहता, अभी बात करने वाला तमिल अलग है, जो ग्रामर तमिल अलग है. ग्रामर तमिल में 4M टाइप का लेके रखा. उधर का अंगूठा का निशान 108 टाइप बोलते हैं, उसमें सभी के अलग अलग अंगूठा का निशान रहता है, उसमें अलग अलग टाइप रहता है. उधर का 108 में राशि अलग रहेगा. उधर का कुंभ राशि शंकुरेखा रहेगा, मिथुन राशि भी आदमी शंकुरेखा रहेगा, वट्टा रहेगा. ऐसे 108 टाइप अंगूठा में सभी के अलग अलग रहते हैं. अभी ये मैडम का मणि मंगूठा वट्टा रहेगा है, इसका अंगूठा का पट्टी है. इसमें मैं चेक करना एकदम इसको पास्ट फ्यूचर बराबर मैच होने के बाद नहीं बताते. धन का इसमें बहुत सारी पट्टी है. तो ये मैडम का अलावा दूसरा कुछ भी दे रहेगा तो मैं कल रिसर्च करना उसमें जो पट्टी में इनका पट्टी क्या है, इसका पास्ट फ्यूचर कैसे वो बराबर मैच हुआ, तो आने वाला फ्यूचर कैसा है वो बता सकते हैं. खाली मेरा ट्रांसलेटर मेरा काम तमिल से पढ़ के हिंदी में बोलना. बस कोई सेंटर मेंबर तुम तमिल से पढ़ने वाला एक हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला कोई रहेगा. एक सेंटर में ऐसा नहीं है, यानी जगह नहीं है बैठने के लिए, इतना क्लाइंट रहते हैं. तो हिंदी सीखने के बाद मैं भी 99 में आया, फिर भी 2000 का 3 के बाद पट्टी बनने के लिए शुरू कर दिया हिंदी सीखने के लिए. ऐसे साल आपने आपके पास यहाँ पे कितने बंडल हैं पट्टी के. ऐसे ऐसे बंडल्स वो तो आते जाते, कभी भी मतलब अभी भी 40 बंडल्स रहेगा, 40 बंडल, कभी भी 60 रहेगा, कभी भी 80 रहेगा. अभी उधर का मार्च महीना से जून महीना तक ज्यादा बंडल्स आते हैं. ऐसा क्यों है, मार्च से जून तक ज्यादा क्यों होते हैं. टाइम ज्यादा लोग स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट ज्यादा रहता है. क्या लाइन पकड़ूंगा, 11वीं 12वीं खत्म कर दिया, वो लोग मन में सोचेगा कौन सा लाइन में जाना चाहिए.
तो आप इसको कैसे अरेंज करके रखते हैं अंदर, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखते हैं? डेट ऑफ बर्थ मतलब ये ब्रांचेस से इधर मतलब जरूर एक गाइड लाइन चाहिए, उधर का भी 78 डेट ऑफ बर्थ को तो बहुत लोग आते हैं लड़की 78 डेट ऑफ बर्थ की मैडम का 78 है, 78 वर्ष का शंकु रहेगा है, मणिमट्ट रहेगा है, ये मणिमगुड़ा रहेगा मणिमट्ट रहेगा, ऐसे तीन दिख रहते गड़बड़ हो जाएगा उसके लिए। जो डेट ऑफ बर्थ वर्षा पक्का चाहिए अपने को, जो कौन सा वर्षा जन्म हो गया वो चाहिए। डेट ऑफ ईयर आपको बहुत रिलेवेंट है, वो जरूरत बहुत जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया उधर का एक लड़का है एक लड़की नहीं पढ़ाता ना, तो वर्षा चाहिए कम से कम। हमें अपने माता जी का पट्टी निकालना है और माता जी को याद नहीं है कि उनका कौन सा साल में जन्म हुआ था, तो क्या आप उनका पट्टी निकाल सकते हैं? पट्टी ढूंढने के लिए टाइम लगेगा मेरे को, बस सपोज उनका अब 45 में जन्म हो गया एक अंदाज बोल रहे, मैं खाली 45 से देखते नहीं, अंगूठा टाइप 108 रक्त संबंध रहेगा करके बोल, दो तीन क्लाइंट हुआ नहीं ऐसे भी है, उनका मैंने 100 कस्टमर पट्टी पड़ा दो क्लाइंट का नहीं हुआ, एकदम अच्छा दोस्त है उधर का, मेरे को लिए कुछ भी करेगा ऐसा दोस्त है, ऐसा दोस्त दो दोस्त मेरा पास है उसको नहीं हुआ, उल्टा हुआ है, एक शगा करके शरण में दूसरा बलाराम सिंह करके एक आदमी बहुत क्लोज मेरा गांव आके गया मेरे साथ, उनके घर में मैं खाना पीना खाते, इतना अच्छा दोस्त पूरा मेरे साथ क्लोज। उनका पट्टी नहीं मिला, पट्टी मिल गया पट्टी पड़ा फिर भी सब उल्टा हो रहे। गुरु जी नमस्कार जी, आप इस नाड़ी सेंटर के बारे में और अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कब से हैं? जी मैं यहाँ 1992 से चालू हो जाता हूँ, मैं मुत्तू स्वामी चाचा का भाई लोग है मेरा स्पेशलिस्ट, मतलब जैसा अंगूठा के हिसाब से भविष्य बता रहे हैं, इसमें से हर एक लोग का अनुभव भी रहता है, पहला भी साहब जी ने भी पुस्तक में भी डाला हुआ है, ये भी अपना क्लाइंट है 2000 से मतलब मिला हुआ है 2007 से, हर चीज बातचीत सब कुछ ठीक चल रहा है, 2006 एंड 2007 से मिला हुआ है, इसी हिसाब से हर बात सब क्लियर हो रहा है। और कुछ नहीं आपका ए, अभी तक आपके हिसाब से इस नाड़ी सेंटर में कितने हजार लोग आकर के चले गए रफली? बहुत लोग रफली ऐसे बोलने से नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं, रोज आते हैं कितने लोग आते हैं आपके पास है? नहीं रोज ज्यादा मतलब कम से कम 30-40 लोग आते हैं, फिर भी मिलते हैं 4-5 लोगों का लीफ मिलता है, कोई कोई लोगों को तुरंत लीफ मिलता नहीं, कोई कोई लोगों का टाइम लगता है, कोई लोगों को पहला दफा मिल जाता है, कोई लोगों का एक हफ्ता एक महीना ऐसा भी लगता है, जिसके लीफ मिलता है उसका हम तुरंत देखते हैं उस हिसाब से। आपके क्या चार्जेस क्या हैं जनरल का? अभी हम जनरल चार्टर के लिए अभी 500 चार्ज करके आ रहा हमारे पर्सन का, मतलब चालू में 300 था, अभी हर चीज पट्टी आने जाना मंगाने का रेट सब होने के कारण 500, मतलब वो पट्टी का किराया जैसा मंगा रहे उस हिसाब से उन लोग 500 दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट जनरल प्रिकॉशन के लिए अभी हम 500 चार्ज करके आ रहे हैं, अभी एडिशनल चैप्टर के लिए हम 250 एंड 300 तक चार्ज करके आ रहे हैं। आप देखिए वैसे बाकी यहाँ जो थोड़ा सा भरोसा बोले थे एक चीज की, यहाँ कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको कुछ उल्लू बना जा रहा है ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा इट्स बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक बेस के ऊपर है, थोड़ा सा रिजनेबल लेवल पे क्लियर कट बताया जाता है। ओके और ऐसे कुछ आपको ये नहीं बता रहे, जो भी है क्लियर कट पोजिशन बता देते हैं वही सबसे है। ओके बेसिक प्रॉब्लम के लिए आप आएंगे तो और ज्यादा बराबर बोलते हैं। अच्छा आप पिछले कितने सालों से इसमें जुड़े हैं? वैसे 3-4 साल से। ओके और आपके साथ आपके घर वाले भी कोई इसमें? इनफैक्ट पहला लड़का आया था, बाद में फिर उन लड़की और मिसेज और हम सब साथ में आए थे, एंड नाउ अभी कभी कोई टिपिकल कोई प्रॉब्लम से मुझे कुछ है तो पूछने के लिए आ जाता, जैसा आज सडनली आ गया। नमस्ते, बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मनोहर अडगांवकर। मनोहर अडगांवकर। अडगांवकर